इलाहाबाद 8x10 का एक कमरा जिसमें निवास करता है विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला कदम उसके सोचने से पहले जान लेता है, जो अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल से लेकर इराक, ईरान तक हर किसी की जानकारी रखता है। इलाहाबाद जीवन का सामंजस्य है, जहां 8x10 के कमरे में होते हैं 3x6 के दो तख्त, एक किचन और एक स्टडी रूम। समय के साथ साथ कभी कभी इसे गेस्ट रूम भी बना दिया जाता है। 8x10 के इस महल में कुकर की सीटी और नुसरत साहब एक साथ सुर चढ़ाते हैं। इस महल में रहने वाला पार्टनर होता है अर्धांगिनी, हर चीज में आधा, श्रम में भी, धन में भी और जीवन के हर सुख दुख में भी। इलाहाबाद एक राष्ट्र है जिसका राष्ट्रीय भोजन दाल भात चोखा है और राष्ट्रीय पेय चाय है, जहां सबसे बड़ा पद मठाधीश का है, जहां की हवाओं में ऑक्सीजन से अधिक ज्ञान है, जहां की सड़कें किताबों से बनी हुई है, जहां का हर एक नागरिक एक सिद्ध डीलर है और एक सिद्ध ज्योतिष भी। इलाहाबाद गुनाहों का देवता है और मधुशाला भी। संगम किनारे आजाद पार्क की कुर्सियों, खुसरोबाग की सीढ़ियों और सीनेट हॉल ग्राउंड में हर रोज कहीं खुलता है एक नया प्रेम ग्रंथ। कहीं किसी पेड़ के नीचे पढ़ा जा रहा होता है पहले स्पर्श का अध्याय और कहीं खाई जा रही होती है जन्म जन्म के साथ निभाने का सौगंध, और कहीं कहीं चिल्लौट झिल्लौट भरी आंखों से फाड़ दिया जाता है ये प्रेम ग्रंथ। इलाहाबाद संगम है हॉस्टल और डेलीगेसी का, वेज और नॉन वेज का, अमीरी और गरीबी का, यूपीएससी और एसएससी का, गंगा और यमुना का भी। इलाहाबाद के हॉस्टल और लॉजों में बसता है पूर्वांचल, बुंदेल, अवध और बिहार। इलाहाबाद में मिर्जापुर का मतलब होता है जय 63 और प्रतापगढ़ का मतलब होता है जय 72। दुनिया का हर वाद इलाहाबाद में है। इलाहाबाद दिलों की नींव पर बना है, दलों के दलदल में नहीं। यहाँ फलाने छात्र संगठन वाले कट्टर मनीषी अपने छात्रवास के सीनियर के लिए फेंक उतारते हैं अपनी कट्टरता और नारा लगाते हैं सीनियर का, 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, हमारा हॉस्टल चौड़े पे, बाकी सब भैया जीत के आइया हो, जय हो। इलाहाबाद के सिविल लाइन्स में हनुमान जी एकदम टाइट खड़े हैं और संगम किनारे लेटे मुद्रा में, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू हॉस्टल से दाल भात चोखा खाकर निकले हों और संगम पहुंचते पहुंचते निदिया में उलर गए हों। इलाहाबाद जहां पेट और बाल कब हाथ से निकल जाए पता नहीं चलता और कब प्रेमिका किसी सरकारी नौकर का दामन थाम के निकल जाए ये भी नहीं पता चलता। जी हाँ, इलाहाबाद के महलों का सम्राट सब जानते हैं। इलाहाबाद का स्टूडेंट ज्ञानी होता है, सब कुछ जानता है सिवाय इसके कि कब होगा उसका सिलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल करण दुबे ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों अभी कुछ लाइनें मैंने इलाहाबाद के बारे में बोली हैं। आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि इस वक्त इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, लेकिन ये जो बातें मैंने अभी बताई हैं वो बातें नहीं, एक एहसास थी, तो वहाँ इलाहाबाद का होना बहुत ज़रूरी था। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड्स को, वीडियोस को सबसे पहले देख सके। और आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहूँगा, आने वाले कुछ दिनों में मैं एक सीरीज चलाऊंगा बॉयज़ लाइफ एंड गर्ल्स लाइफ के ऊपर, तो वो सारी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, इलाहाबाद से जुड़ी अगर कोई वाक्यांश, कोई घटनाएँ आपके साथ जुड़ी हैं तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।